समस्या नहीं हुई तो वहीं हम जो है धरने की घोषणा करेंगे और हम पूरे जिले का काम बंद करा देंगे। और काम बंद तब तक रहेगा जब तक हमारे साथ न्याय नहीं। ट्रांसफर करें, ट्रांसफर हम लोग अपने मुखिया के कान में यह डालें कि इस तरीके से हम लोगों का जो है ट्रांसफर किया गया। हाँ, जो बिलरिया था उसको उठा के कोई सा जो कोई साल भर की जो हमारी छह महीने की हमारी जो बहने आई हुई है और उनको उठा करके जो है यह घोर अन्याय हुआ है और हम लोगों को बहुत ज्यादा। लेकिन जो गलत नीति के तरह हम लोगों का ट्रांसफर किया गया है उसका हम घोर तरह से पुरजोर करके उसका हम विरोध करेंगे। इसमें कोई हो रहा है आप लोग जीतेंगे। एकत्रित हुई होती और यह पुरजोर विरोध किया गया होता तो आज यह दिन देखने को नहीं मिलता कि पाँच पाँच छः छः हजार रुपया हम लोगों का हमारा मुखिया बैठ के टकार गया। यूथ कॉर्नर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बड़े पैमाने पर हुए स्थानांतरण के विरुद्ध मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ ने कार्य बहिष्कार की दी चेतावनी। आजमगढ़ जनपद में दिन रविवार 2 जुलाई को कुंवर सिंह उद्यान में मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश आजमगढ़ शाखा की एक बैठक जिला मातृ शिशु अध्यक्ष प्रभा सिंह के नेतृत्व में की गई। बैठक का संचालन संघ की जिला मंत्री प्रतिभा राय ने किया। बैठक में स्थानांतरण व कोविड-19 के बकाया पारिश्रमिक को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक को संबोधित करते हुए संघ की जिलाध्यक्ष प्रभा राय ने बताया कि बगैर शासनादेश के विरुद्ध विभागीय कर्मचारियों और अधिकारियों के मिलीभगत से मनमाने तरीके से स्थानांतरण कर दिया गया है और विगत 3 वर्षों से कोविड-19 में जो कार्य किया गया था उसका भी पारिश्रमिक अभी तक भुगतान नहीं किया गया। जिलाध्यक्ष ने बताया कि इन मुद्दों को लेकर मुख्य चिकित्सा अधिकारी से 4 जुलाई को दिन सोमवार को मिलने का निर्णय लिया गया है, जिसके बाद भी यदि हमारी समस्याएं नहीं सुनी गई और हमारी मांगे नहीं मानी गई तो पूरे जनपद में मातृ शिशु कल्याण महिला कर्मचारी संघ हड़ताल पर चली जाएंगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी संबंधित अधिकारियों और बाबुओं की होगी। आजमगढ़ से पद्माकर पाठक की खास रिपोर्ट। लोगों की बैठक तो कई मुद्दों पर हुई लेकिन विशेषकर से 2 मुद्दा बहुत माने रखता है। शासन के मंशा के अनुसार हम लोगों का जो है पटल परिवर्तन किया गया। शासन का आदेश था कि 10% किया गया, हमारे मुखिया ने 10% नहीं पूरे टोटल उठा करके और सबको जो है क्षेत्र सबका परिवर्तन कर दिए हैं। जो 2 महीने रिटायर हो गई हैं उनका भी कर दिए हैं, जो 1 साल की आई हैं उनका भी रिटायर कर दिए हैं और किसी से मनमाने तरीके से रिटायर पटल परिवर्तन किया गया। एक बार भी उन्होंने कहा था कि हम 2-3 ऑप्शन मांगेंगे, उस हिसाब से हम जो है पटल परिवर्तन करेंगे, लेकिन हमसे कोई ऑप्शन नहीं मांगा गया, कोई बात नहीं पूछी गई। मनमाना तरीके से जैसे बंदर बांट किया जाता है इस तरीके से हम लोग का बंदर बांट कर दिया गया। जो हमारी बहनें 2-2, 3-3 महीने की रिटायर होने को हैं उनका भी पटल परिवर्तन था करके कर दिया गया है, वो भी अदर क्षेत्र में किया गया है। अगर पीएससी से पीएससी पे किया जाता तो हम शायद कम विरोध करते, लेकिन ये बहुत बड़ा घोर अन्याय हमारे साथ किया गया है। अच्छा, इसको लेके आप उच्च अधिकारियों से मिली क्या? तो हमारी सारी बहनें बहुत दुखी हैं। एक तो ये काम कराते हैं और इनकी सरकार में काम कराने का जो हम लोगों का मानदेय आता है, हम लोग कई बार आपके माध्यम से कह चुके हैं, कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में हम लोग लड़े और हम लोगों का पूरा मानदेय खा गया। एक छठियां ब्लॉक को छोड़ करके कहीं भी हम मतलब कुछ लोगों का मिला है, छठियां ब्लॉक को छोड़ करके और सारे ब्लॉक का पैसा खा गया कोरोना का, जो कि समझिए कि हम लोग अपनी जान हथेली पर रख करके काम। कल हम माननीय मुख्य चिकित्सा अधिकारी से अपने संवर्ग की महिलाओं को लेकर के मिलेंगे, अगर हमारी बात मानते हैं और हमारा सही सही जो है वो कर देते हैं तब तो ठीक है, और नहीं तो हम लोग जो है एकदम हड़ताल कर देंगे, पूरे जिले का काम बंद करा देंगे। इसकी सारी जिम्मेवारी पटल बाबू की और मुखिया की होगी।